हाँ, क्या मुझे एक फ्लैशलाइट लेना चाहिए? क्या फर्क पत्थर भाई, ले ही लेते हैं, पता नहीं मैं इसको वापस कब खेलूंगा। बाय द वे, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वाले वीडियो में हम लोग लौट आ चुके हैं उसी होटल के अंदर। प्लीज कमेंट मत करना, मैंने कोई नया पीसी नहीं खरीदा, ये मेरा पुराना पीसी है, मैंने पहले कह दिया। लेट्स सी, अब मेरा टारगेट होगा डोर 80 को अनलॉक करना, क्योंकि मेरे पास अभी कोई बहाना देने के लिए चीज़ है नहीं। लैग तो अब मुझे देख नहीं रहा। और हाँ, मैंने बस अपना रिकॉर्डर चेंज किया, OBS बहुत ही सड़ा हुआ रिकॉर्डर था। अब जो है मैं विंडोज़ इंटरनल रिकॉर्डर का यूज़ कर रहा हूँ, जो कि अच्छा है एक्चुअली। कोई परफॉर्मेंस लॉस तो मुझे मिला नहीं अभी तक देखने के लिए। और लेट्स सी, नीचे मुझे जाना पड़ेगा, मुझे पता है, पर यह बस शायद हाँ खजाना मिल सकता है और एक लॉक पिक भी मिल गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे रैंडम डोर्स को हमें चेक करना चाहिए ताकि हम लोग थोड़ा सा प्रोग्रेस कर सके। मैंने ऑलरेडी 100 गोल्ड वेस्ट कर दिया अपने फ्लैशलाइट के ऊपर, होपफुली ये वर्थ इट होगा, वरना कभी कभी ये बिल्कुल वेस्ट होता है। लेट्स सी, मुझे पता है मुझे बहुत ज़्यादा गोल्ड मिल सकता है अगर मैं सारे ड्रॉर्स को चेक करूँ, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है मेरे लिए और मेरे पास इतना टाइम नहीं है। पता नहीं कौन इतने सारे ड्रॉर्स को चेक करता है भाई। लिटरली एक ऐसे गेम में जहाँ पर हर 2 दिन में ये लोग एक नए मॉन्स्टर को ऐड करेंगे ताकि मैं कभी 100 लेवल तक पहुँच ना सकूँ। ऑलराइट, यहाँ पर एक लीवर मिलेगा हमें नीचे। मैंने पता नहीं लास्ट टाइम इस गेम को कब खेला था, उसके बाद से पता नहीं इन लोगों ने कितने सारे नए मॉन्स्टर्स को ऐड कर दिया। वेट, व्हाट द हेल, यहाँ पर लीवर होना चाहिए, अंदर भी नहीं बाहर भी नहीं। कहाँ पर है लीवर? एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी, इन लोगों ने क्या पीछे लगा दिया? नहीं, ओके, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, मैंने कुछ मिस किया। ये देखो कहाँ पर छुपा हुआ है, दोनों पिलर्स के बीच में। हमारा स्टार्टिंग तो अच्छा नहीं जा रहा, मेरा चार्ज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है और आई थिंक बैटरी का कुछ इशू होगा। नहीं, लाइटर बहुत कम मिलता है, बैटरी बहुत ज़्यादा मिलता है इस गेम में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेट्स सी, मुझे बस इस कंट्रोल को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और मैं स्क्रीच को स्पॉन नहीं कर सकता, बस हमें फालतू में डैमेज देगा। ये सही डोर है आई थिंक, हाँ 12, क्योंकि डार्कनेस में जो है ख़राब डोर नहीं होता। मेरे सामने एक लॉक्ड डोर है तो मुझे एक की ढूंढना पड़ेगा। वेल, एक बैटरी मिल गया, ठीक है, मेरा फ्लैशलाइट अभी कम्प्लीटली। अच्छा, ये रहा की, पता नहीं गाइडिंग लाइट इतने देर बाद क्यों आता है, पर इसने कुछ हेल्प नहीं किया एक्चुअली। मैंने एक की खुद ढूंढा। ये दरवाज़ा सामने टूटा हुआ है, मैंने इसे पहले चेक कर लिया था। अब लेट्स सी, ये रहा डोर 13। पता नहीं कितना टाइम हुआ, पर आई थिंक मैं थोड़ा सा जल्दी काम कर रहा हूँ, पर जो कि बहुत ही अच्छी बात है। रस आने वाला है अभी, क्या ये आएगा? हाँ आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि ये अभी फेक नहीं करेगा। 2:30 के बाद आई थिंक रस एक बार फेक करेगा, फेक मतलब ऐसा करता है, पर अभी ये नहीं करेगा। लेट्स सी, 15, बस हमें सामने भागना पड़ेगा, साइड पर हमें कोई भी चीज़ को नहीं उठाना, क्योंकि मेरे पास अभी इनफ रिसोर्सेस है। अच्छा, ये सीख का चेस वाला कॉरिडोर है, पता नहीं इतने लंबे लंबे कॉरिडोर्स इन लोगों ने होटल में क्यों बनाया है। क्या इस होटल में कोई लोर है? हो सकता है एक्चुअली, बहुत ही एंशियंट होटल लगता है, इसके डिज़ाइन को देखो एक बार, लगता नहीं ये कोई मॉडर्न सेंचुरी का बनाया हुआ कुछ है, बहुत ही पुराना। आई थिंक 18 सेंचुरी में ऐसा लाइट नहीं होता था। क्या ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है? हाँ आई थिंक, हाँ अगर ऐसा होता है तो शायद लेट 1950 का कुछ होगा आई थिंक, मैं कंफर्म नहीं कह सकता बाय द वे, क्योंकि ये रूफ डिज़ाइन बहुत ही पुराना है। बट एनीवेज, ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, शायद किसी ने अभी तक इस गेम के लोड को एक्सप्लोर नहीं किया। हमें वापस से एक लीवर ढूंढना पड़ेगा। ये ग्राफिक्स की वजह से कुछ ज़्यादा डार्क लग रहा है ये गेम, जहाँ पर लाइट है वहाँ पर थोड़ा सा ब्राइटनेस है, चारों तरफ बस ये डलनेस है, मतलब बहुत ही डार्क है। अगर मैं ग्राफिक्स को कम कर देता हूँ तो ये डलनेस कम हो जाएगा, पर उससे कुछ मज़ा नहीं आएगा। ये साइन मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बस अभी 4th लेवल पे खेल रहा हूँ ग्राफिक्स के, और उसमें इतना ब्यूटीफुल ग्राफिक्स मैंने कभी एंड्रॉयड पे एक्सपेक्ट नहीं किया था। देखो बस मैं क्या नहीं देखता था। 21, यह बस से हमें कुछ अच्छा मिल सकता है बड़े वाले ड्रॉर्स से। लेट्स सी, यहाँ पर क्या है? एक विटामिन मिल गया, इन लोगों को लगता है मुझे विटामिन चाहिए। नहीं, ये विटामिन जो है सीख के चीज़ के टाइम पे बहुत काम आएगा। रस आने वाला है वापस से, हाँ आ रहा है, नाइस। क्या मेरा हेडफोन का एक साइड काम नहीं कर रहा? मुझे नहीं पता, मुझे बस एक साइड से साउंड आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये बस इस साइड से आ रहा था इसीलिए। इसने एक दरवाज़ा तो खोल दिया, पर वो दरवाजे के अंदर डार्कनेस था। मेरे पास अभी फुल चार्ज है बाय द वे, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसे 10 दरवाज़ों को सह सकता हूँ अभी। कहना आसान है पर करना मुश्किल, मुझे पता है। भाई साहब, देखा आप लोगों ने, अभी भी ये गेम ठीक से लोडिंग नहीं हो रहा, दूर अभी डार्कनेस था, पर पहले से बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर एक्चुअली। ओ माय गॉड, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, कितना रैंड है। मैं देखो तो मुझे अभी 27 डोर को, ये रहा 27 आई थिंक, नाइस, ये रहा 27। तो अभी आर यू सीरियस भाई, ये देखो इस रूम से इस रूम में टेलीपोर्ट कर गया, ये कोई नया चीज़ है इसका आई थिंक। पता नहीं मैं इससे कैसे बचने वाला हूँ, ये मेरे रास्ते को ब्लॉक कर रहा है। कैन आई पास सर? थैंक यू, ओके, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं देखना इसकी तरफ, बहुत ज़्यादा डैमेज करता है ये।
बस भागो इस साइड में। अच्छा होपफुली इस दरवाजे के अंदर नहीं होगा। नहीं, अच्छी बात है, मैं रेडी था। बाय द वे ये आई वाला मॉन्स्टर जो है इस गेम का सबसे रैंडम मॉन्स्टर है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता इससे रैंडमली कोई और स्पॉन हो सकता है। स्क्रीच होता है एक स्पेशल टाइम पे जब हमें पता होता है, जैसे इस टाइम पे स्क्रीच स्पॉन हो सकता है, पर हमारे पास अब इनफ लाइट है, उसे हम लोग स्पॉन होने देंगे नहीं। अभी जो है रस आ रहा है, रस का बड़ा भाई होता है एम्बुस, उसे थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल है। मैंने शायद उसे एक या दो बार मैनेज किया था। ऑलराइट, ये जाएगा एक दरवाज़ा खोल के, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको याद नहीं तो मुझे शायद एक बार डोर टू पे एम्बुस मिला था, लिटरली बहुत ही रेयर सीन है, मुझे अभी पता चला एक्चुअली। सो लेट्स सी, 34, ये रहा 35। कितना जल्दी हम लोग बस दरवाज़ों को अनलॉक कर रहे हैं। देखो मेरे सामने एक ये है। ओके एक सेकेंड, ओ माई गॉड, ये मत कहना उसी का आने वाला है। आई थिंक हाँ, एक काम करते हैं, यह पर हम लोग लॉकपिक का यूज़ कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता लॉकपिक का कुछ खास काम है। ऑलराइट, हाँ तो मैं सही था, सीख आने वाला है, तो अभी रश नहीं आ सकता। सीख का एक बेनिफिट भी है बाय द वे, ये जो है कम से कम 10 दरवाजों को क्रॉस कर देता है मेरे लिए, क्योंकि इसके स्पॉन होने से एंड तक के चेस के टाइम पे पता नहीं कितने दरवाजे मैं क्रॉस करता हूँ। पर मुझे थोड़ा सा सोच समझ के धीरे से डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं जो है एक रॉन्ग डायरेक्शन में भाग जाता हूँ। होपफुली ऐसा मैं नहीं करूँगा इस टाइम पे, क्योंकि मेरे पास अभी लैग का प्रॉब्लम नहीं है। बट लेट्स सी, मेरे पास विटामिन है बाय द वे, अगर कुछ बुरा होता है तो मैं देख लूँगा। ऑलराइट, आई थिंक आई एम रेडी, सो लेट्स सी, यह पर होगा हमारा फाइनल टेस्ट। मैं जो है लेजिट सीख के हाथों ज़्यादा मरा हूँ फिगर से, क्योंकि मैं फिगर तक कभी पहुँच ही नहीं पाता सीख की वजह से बस। ओके, आई कैन डू दिस। मैं यहाँ पर कमेंट्री बंद कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा इस गेम पे। पैनिक नहीं करना, देख के भागना पड़ेगा बस। आई कैन डू दिस। यहाँ पर क्राउच इस साइड पे। ओके नाइस, मैं बस इस साइड पे गेस कर रहा था, कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस था बाय द वे। ओके किस साइड पे, किस साइड पे, इस साइड नहीं, इस साइड पे ही मैं गलत जा रहा था। एटलीस्ट बच गया भाई, पर लास्ट मोमेंट मैंने देख लिया कहाँ पर वो ब्लू लाइट चमक रहा था। मुझे नहीं पता ये रेड इफेक्ट्स कहाँ से आ रहे हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। आई थिंक ग्राफिक्स का कुछ सीन है यहाँ पर। और फाइनली मैंने जो है सीख को बीट कर लिया। मुझे नहीं पता ये सीख और कितनी बार आएगा, पर एटलीस्ट अभी कुछ टाइम के लिए हमें शांति से खेलने को मिलेगा। और ये देखो अभी भी ये गेम लोडिंग नहीं हो रहा भाई दोबे, पता नहीं इतने इंटेंसिव ये गेम क्यों बनाते हैं। ठीक है, अब मेरा मेन फोकस होना चाहिए वो फिगर। मैं फिगर को बीट कर सकता हूँ आई बिलीव, क्योंकि मुझे बस कुछ बुक्स को ढूंढना पड़ेगा। ये कहना आसान है भाई, लिटरली बुक्स तो मिलते नहीं। ऊपर से जो है उस फिगर का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम लोगों को 5 या 6 बुक्स मिल जाते हैं। ठीक है, ओके आई एम रेडी, ये होगा हमारा फाइनल चैलेंज। मैंने शायद एक ही बार डोर 50 को अनलॉक किया, एक या दो बार, पर इस बार शायद हम लोग कर सकते हैं। मुझे एक फीलिंग आ रहा है अंदर से। ये देखो ड्रंक फिगर, ये ठीक से चल भी नहीं पा रहा, पर इसका स्पीड देखो बस, पता नहीं ये इस साइड में क्यों भाग गया। बट एनीवेज, ये रहा एक बुक चमक रहा है यहाँ पर डार्कनेस में। नाइस, ये रहा नंबर 4, वो बिल्कुल ऊपर जाएगा आई थिंक। ठीक है, यहाँ पर कुछ बुक्स को हम लोग इस टाइम के अंदर देख सकते हैं। ये रहा एक और, ले ले भाई, ये क्या ड्रामा है मेरा बंदा, लिटरली एक घंटे तक एक बुक को देखता है और लेने के लिए बिल्कुल मुझे सामने खड़ा होना पड़ता है। व्हाट द हेल, मैं खड़ा नहीं हो सकता इस जगह में। एक काम करते हैं, ये अभी ऊपर है तो मैं जो है यहाँ पर से स्लिप ले लेता हूँ, या फिर जो पेज है जहाँ पर ये कोड है। ठीक है, मुझे शायद अभी 6-7 सिम्बल्स को ढूंढना पड़ेगा ताकि मैं एक रैंडम नंबर को गेस कर सकूँ लास्ट में। होपफुली मुझे सारे सिम्बल्स मिल जाएंगे। ये अभी यहाँ पर नहीं आएगा, अच्छी बात है। मैं जो है ऊपर जा सकता हूँ, पर मैं ऊपर जाके नीचे नहीं उतरना चाहता, तो एक काम करते हैं, हमारे लेफ्ट साइड में हम लोग चल के देखते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स हमें मिलना चाहिए, साउंड पे फोकस करना पड़ेगा बस। ये यहाँ पर आ रहा है, ऑलराइट, ये रहा एक बुक, मुझे दिख रहा है अभी। नाइस, यहाँ पर एक और बुक। ओके नाइस, अच्छी जगह पर आ गए हम लोग, ये ऊपर जाएगा आई थिंक। नाइस, तो अगर ये आता है तो एक सेकेंड, ओ माई गॉड, आर यू सीरियस, यहाँ पर से मुझे 3 बुक्स मिल गए, खजाना मिल गया एक्चुअली। वेट अ सेकेंड, ये देखो एक और, पूरा मतलब सब कुछ यहाँ से ही मिल गया, बहुत आसान हो गया, पता नहीं ऐसा क्यों है, पर आई एम नॉट कम्प्लेनिंग। ये अगर यहाँ पर आता है तो मुझे छुपना ही पड़ेगा, मैं कुछ कर नहीं सकता। इसका स्पीड देखो बहुत बढ़ चुका है। अभी जो है मैं ऊपर जा सकता हूँ, उससे पहले एक बार पीछे चेक कर लेते हैं, शायद यहाँ पर एक और बुक मिल जाए। ऊपर जो है रेस्ट ऑफ बुक्स मिलने चाहिए आई थिंक, क्योंकि और कहीं पर मिल नहीं सकता। मैंने लगभग सब कुछ चेक कर लिया, क्या ऊपर जाना सही होगा? आई थिंक ये अभी बहुत पीछे है तो मैं ऊपर जा सकता हूँ। ये पता कुछ दिख नहीं रहा मुझे, जल्दी से चलते हैं। ओ नो, ये बिल्कुल मेरे पीछे है। ओ नो, जल्दी से भाई, मैं उठ नहीं सकता बिल्कुल भी, बच गया भाई। ये एक रिस्क डिसीजन था बाय द वे। ओके लेट्स सी, मेरे पास क्या क्या नंबर्स है, एक सेकेंड, 4, 1, 5,
9। अच्छा 4159, मुझे एक रैंडम नंबर को ढूंढना पड़ेगा लास्ट में, अगर नहीं मिलता मैं सर गेस कर सकता हूँ। जा भाई, ये इस साइड में क्या कर रहा था इतने टाइम से। ऑलराइट, तो ये पास से मुझे एक या दो बुक एटलीस्ट मिलना चाहिए। यह पर तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, सामने भी कुछ नहीं है इस सेल्फ में। व्हाट द हेल, पूरा खाली है ये बस सब कुछ। यह पर मुझे बस दिख नहीं रहा सब कुछ बहुत ही ज़्यादा। नहीं, यह पर एक है, ये रहा। ओ माय गॉड, नहीं तो मुझे एक रैंडम नंबर को गेस करना पड़ेगा। इसे हम लोग यहाँ पर आने देंगे, देन हम लोग देखेंगे। अभी जो इसका स्पीड है, मैं नीचे जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मतलब मैं नीचे जाके शायद कभी लौट नहीं सकूंगा। ऑलराइट, तो मैं रैंडम नंबर को गेस कर सकता हूँ। लेट्स सी, अभी ये जाएगा, देन वी कैन डू दिस। लेट्स सी, 4159 0। ओके, 1 2 आई थिंक, नहीं 3 आई बिलीव, ये भी नहीं, 4 से हो जाएगा आई थिंक। एक सेकेंड, 4 1 5, ये आ रहा है जल्दी से 9। मुझे पता है ये इस साइड पे नहीं आ सकता, पर फिर भी मैं रिक्स नहीं लूँगा। ये बस एक लूप में घूमता रहता है, सामने जाता है, पर आई डोंट नो इस दरवाजे के क्लिकिंग से कोई साउंड होता है शायद, इससे ये आ जाए इस साइड में। वेट, व्हाट द हेल, ये कहाँ, ओ माय गॉड, ये यहाँ पर आ सकता है। व्हाट ए कोइंसिडेंस भाई, मैं बस अभी कह ही रहा था इसके बारे में। तो मुझे यहाँ पर 5 टाइप करना था आई थिंक, 5, यस 5 था, मिल गया लास्ट नंबर हमें। ऐसे रैंडमली गेस करके हम लोगों ने शायद एक लाइफ को बचा लिया अपना, क्योंकि मैं नीचे बिल्कुल नहीं जाना चाहता था और इसका इस स्पीड के साथ। एनीवेज, हियर वी आर। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड, ये हेलो फ्रेंड कह रहा है बाय द वे। ये पर स्केलेटन के ऊपर टैप करने से कुछ नहीं होता, मुझे कुछ चीज़ें खरीदना है। व्हाट द हेल इज दिस, एक अजीब सा की है, बहुत यूनिक लग रहा है। मैं पर मेरे पास गोल्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। टॉर्च मुझे नहीं चाहिए, पिल्स ले लें क्या, मेरे पास एक पिल है, इसे ऑफ करते हैं एक सेकंड के लिए। प्रेसिंग एंड ट्विस्टिंग ऑल द बटन्स एंड नॉब्स सीम्स टू डू नथिंग। मैं इसे टिप भी दे सकता हूँ बाय द वे, इससे कुछ होगा, आई डोंट थिंक इससे कुछ होगा, बस मेरा मनी वेस्ट हो रहा है। तो मुझे अगर थोड़ा सा और मनी मिल जाता तो मैं उस मिस्टीरियस की को ले सकता, जो कि बहुत अच्छा होता एक्चुअली। यस, एक की मिलेगा हमें। मैं अभी जो है एक्चुअली नर्वस हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता है यहाँ से गेम बहुत ज़्यादा हार्ड होने वाला है। रैंडम डार्क रूम्स, ऊपर से एग्रेसिव रस और कुछ नए एंटिटीज जो कि बस 250 के बाद ही स्पॉन होते हैं। एक सेकेंड, मुझे की नहीं मिला बाय द वे। मैं इस दरवाजे पे लॉक पिक को वेस्ट नहीं करना चाहता, एक ही दरवाज़ा है, मतलब एक ही रूम के अंदर हमें की मिलना चाहिए। कहाँ पर है भाई ये की, ये रहा बिस्तर के ऊपर। मैं पता नहीं इसे कैसे मिस कर सकता हूँ, मैं बस रैंडम जगह पे नहीं देखता जहाँ पर देखना चाहिए। ओके, 54, रस आने वाला है अभी, बहुत टाइम से रस को नहीं देखा। व्हाट द हेल, इस पिलर को किसने खा लिया। ओके, छुपते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, 55, तो हमें 56 को अनलॉक करना पड़ेगा यहाँ पर। एकदम फालतू में डोर्स को हम लोग अनलॉक नहीं कर सकते, जिससे बस हम लोग रैंडमली डैमेज लेंगे, शायद 2 डैमेज के बाद मैं मर सकता हूँ एक्चुअली। 57, ये लाइट हल्का सा फ्लिकर हो रहा है आई थिंक, हाँ फ्लिकरिंग का साउंड भी आ रहा है, पर मुझे नहीं पता अभी रस आ सकता है या नहीं रैंडमली ऐसे। सीख भी नहीं आएगा आई थिंक, आई डोंट थिंक अभी सीख को आना चाहिए। ये कैसा रूम है भाई, सब कुछ बिखरा हुआ है यहाँ पर, और ये मिट्टी यहाँ पर क्या है। अगर ये मिट्टी है तो पता नहीं इस होटल के इतने बीच पे मिट्टी कैसे आ गया। ये शायद बहुत ऊपर है हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे स्टेयर्स को क्लाइम किया था बाय द वे, अगर आपको याद होगा तो। एक और लॉक पिक देखो, लॉक पिक का जैसे बारिश हो रहा है, आई डोंट नो ये बात में काम आएंगी अभी नहीं। मैं जो है एक लॉक पिक को यूज़ कर सकता हूँ बाय द वे। डार्क है फिर भी यहाँ पर इनफ लाइट है जहाँ पर स्क्रीच स्पॉन नहीं हो सकेगा। यहाँ पर एक बैटरी भी था बाय द वे, यहाँ पर एक डार्क रूम वापस से। अच्छा, तो ये उन रूम्स में से है जहाँ पर हमें एक लीवर को ढूंढना पड़ता है। The next day. मैं शायद एक सर्कल में घूम रहा हूँ तभी से, ये रहा लीवर, फाइनली भाई लीवर मिला। कितना चार्ज वेस्ट हो गया मेरा, अब मुझे जो है इस जगह से निकलना भी पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पर एक केज टाइप का कुछ है आई थिंक, यहाँ पर हम लोग अंदर जा सकते हैं। और हाँ, मैं उस केज के अंदर आ गया, नाइस, बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। एक तो मैं बैटरी को वेस्ट नहीं करना चाहता, ऊपर से ये रैंडम चीज़ है। और देखो गाइडिंग लाइट अभी आया है, थैंक यू सो मच गाइडिंग लाइट, कुछ ना करने के लिए, सब खत्म होने के बाद आया ये गाइडिंग लाइट मुंह उठा के। एटलीस्ट ये दरवाज़ा बता दिया इसने। अगर इस लाइट के अंदर स्क्रीच स्पॉन होता तो मैं उसे देख सकता हूँ बड़ी आसानी से, आई डोंट थिंक इसे स्पॉन होना चाहिए। मैंने अपने आधे से ज़्यादा बैटरी वेस्ट कर दिया। ऑलराइट, ओके नाइस, यहाँ पर रस आने वाला है। तो मैं कुछ सोच रहा था, क्या मुझे उस बैटरी को लेने पीछे जाना चाहिए। छुप जाता यहाँ पर बस। ऑलराइट, एक काम करते हैं, मेरे पास बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा बैटरी वेस्ट कर दिया, तो मुझे जो है पीछे जाना पड़ेगा।
आई होप वो डिस्पॉन्ड नहीं होता इस गेम में, बस एक बार देखते हैं। मुझे बस एक ही चीज़ का डर है, मुझे नहीं पता पीछे जाने पे कौन सा नया एंटिटी स्पॉन होगा। हो भी सकता है, आई डोंट नो, इनका मतलब इन डेवलपर्स का कुछ कह नहीं सकते। ये शायद एक वर्थ इट डिसीजन था, क्योंकि मेरे पास अभी इनफ चार्ज है कुछ और रूम्स को सर्वाइव करने का। मुझे पता है लास्ट में कुछ रूम्स जो है शायद 20 या 10 रूम, उसमें लाइट नहीं होता बिल्कुल भी, तो मुझे लाइट को थोड़ा सा सेव करना पड़ेगा। ये दरवाज़ा बिल्कुल टूटा हुआ है, अभी हमें वापस से ऊपर जाना पड़ेगा। कितना मतलब ऊंचा ये होटल सोच के देखो बस एक बार, ऊपर से 100 रूम्स। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को देखा थैंक यू सो, व्हाट द हेल इज दिस। ओके, आई थिंक एक हॉस्पिटल के अंदर हम लोग आ चुके हैं। ये होटल है या कुछ और? एक होटल के अंदर हॉस्पिटल कैसे हो सकता है? देख के लगता है कोई इमरजेंसी रूम है, बहुत सारे ऐसे बेड्स भी हैं। ओके, मैंने ऐसे रूम को पहले कभी नहीं देखा बाय द वे, बहुत अजीब बात है। इस गेम के बारे में किसी को एक वीडियो बनाना चाहिए, लिटरली एक नर्सिंग होम बना के रखा है यहाँ पर, पता नहीं क्यों। एक प्लस का साइन भी है जो कि कन्फर्म करता है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर शायद वो की का यूज़ कर सकते थे हम लोग जो कि वो बेच रहा था, पर इसके पीछे क्या है? लॉकपिक से नहीं खुलता, आई थिंक बहुत बड़ा खजाना होगा। अगर मुझे थोड़ा सा और कॉइन मिल जाता तो मैं इस दरवाजे को शायद खोल सकता, पर आई थिंक मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए, मेरे पास इनफ रिसोर्सेस है इस गेम को सर्वाइव करने का। लेट्स सी, मुझे एक बार जानना इन पिलर्स को किसने खा लिया। ऐसे लगता है बहुत बड़ा क्रीचर होगा जो कि रूम 50 के बाद से घूमता है इस जगह में। रस आएगा आई बिलीव, हाँ आएगा ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ठीक है लेट्स गो। 69, नाइस। सो अभी जो है हमें एक सेकेंड, ये पर सामने का दरवाज़ा लॉक्ड है, मुझे उसके लिए एक की चाहिए। इस दरवाजे को हम लोग खोलते हैं, मेरे पास दो लॉक पिक्स है बाय द वे। हाँ मैं इसकी बात कर रहा था, यहाँ पर शायद हमें कुछ गोल्ड मिल सकता है। वेट ए सेकेंड, एक क्रूसिफिक्स, मतलब लिटरली एक एक्स्ट्रा रिवाइव, एक्स्ट्रा लाइफ मिल गया हमें। थैंक यू सो मच गेम। अब बस मुझे एक की ढूंढना पड़ेगा। ये रहा डोर 70 का की। गाइडिंग लाइट तो अभी आया नहीं भाई, हाँ अब आएगा जब मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। पता नहीं ये लोग ऐसा क्यों करते हैं, लिटरली ऐसे प्रोग्राम किया है इस गाइडिंग लाइट को, जब एक बंदे को कुछ चाहिए नहीं तब आता है। 70, ओके नाइस, 71। ओके लेट्स सी यहाँ पर, ओ नो, अभी वापस से उस सी कहाँ का। इस बार जो है मुझे पिल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा। मैंने सुना है कि सेकेंड या थर्ड चेज में जो है सी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बनता है और रूम्स भी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, मैं जो है कुछ कर नहीं सकता, यहाँ पर मुझे पिल्स का यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना आई थिंक पिल्स वेस्ट हो जाएगा अगर मैं 200 तक पहुँच जाता हूँ तो। लेट्स सी, ऑलराइट, मैं ये बात थोड़ा सा कम बात करूँगा क्योंकि मुझे इस गेम पर फोकस करना पड़ेगा। मैं बस पिल्स का यूज़ करता हूँ जल्दी से। ऑलराइट नाइस, ओके कहाँ पर ओके बहुत ज़्यादा स्पीड है भाई साहब, देखो स्पीड को एक बार। इस साइड पे नहीं पीछे, नाइस। किस साइड पे ओके मैं अटक रहा हूँ इस जगह में आके, ब्रेक लगा ले भाई थोड़ा सा यहाँ पर, नाइस। कहाँ पर ओके इस साइड पे, बच गया है, वापस से बच गया है, ये पिल्स ने बचा लिया। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा अटका था इस लेवल में, पर मेरा स्पीड इतना ज़्यादा था कि स्पीक हमें पकड़ नहीं सका। ऑलराइट नाइस, आई थिंक एक और बार सीख आएगा, देन हम लोगों को फाइनली इससे मुक्ति मिल जाएगा। ये सबसे बड़ा पेन है इस गेम का आई थिंक। डोर 100 पे भी हमें एक बार फिगर से डील करना पड़ेगा, पर आई डोंट थिंक वो उतना कुछ हार्ड होगा। मैं अभी बहुत नर्वस हूँ भाई इस गेम के ऊपर। वेट सेकेंड, की भी मिल गया, पर मैंने की का नंबर नहीं देखा, शायद कोई फेक डोर यहाँ पर नहीं होगा, बस हम लोग सीख के चेस से बचे ही है तो फेक डोर को नहीं होना चाहिए यहाँ पर कहीं पर भी। कहाँ पर है वो कॉरिडोर जहाँ से हम लोग ओरिजिनल डोर के पास जा सकेंगे? ये रहा, मैं 80 को क्रॉस कर गया, मेरा चैलेंज को मैंने कंप्लीट कर लिया। और ये लाइट इतना एग्रेसिव फ्लिकर क्यों हो रहा है? कौन आ रहा है भाई? यहाँ पर कोई आ नहीं सकता आई थिंक। एक और विटामिन, देखो भाई विटामिन का बारिश हो रहा है। इनको लगता है मुझे इतना विटामिन चाहिए, इनको लगता है मैं इतना वीक हूँ, इनको नहीं दिखा मैं सीख को ऑलरेडी बीट कर चुका। व्हाट द, नहीं, मुझे इससे नहीं मिलना था भाई। ओके आधा हेल्थ किया मेरा, मैं मरा। क्रूसिफिक्स कहाँ पर है? प्लीज़ हेल्प मी, मैं ऐसा नहीं मर सकता। ओके क्या हुआ ये, मेरा कुछ भी फ्यूज हो गया, कहाँ पर जाना पड़ेगा मुझे अभी? भागो इस तरह से बस। आई हेट दिस थिंग सो मच, टू स्टेप्स अहेड, आई डोंट फील लाइक डीलिंग विथ यू। ओके मैंने अपनी खुशी फिक्स को इस पर यूज़ कर लिया, पर कहाँ पर जाना है मुझे अभी? अच्छा मैं निकल गया उस जगह से, एक अलग डायमेंशन बना लिया था इसने, लिटरली मेरा हेल्थ आधे से ज़्यादा खा गया। अच्छा उसने मेरा खुशी फिक्स यूज़ किया, मतलब व्हाट द फक भाई।
इतना रैंडम रस, कोई बिल्कुल वार्निंग नहीं था बाय द वे। अच्छा, उसने मेरा क्रूसिफिक्स यूज़ किया था, मतलब जो है उसने मुझे सेकंड टाइम टच किया था। अगर वो मुझे सेकंड टाइम टच करता तो मेरा गेम हुआ पर ही ओवर हो जाता। लिटरली क्रूसिफिक्स ने बचा लिया भाई। ये जो भी चीज़, आई हेट दिस थिंग सो मच, कभी भी रैंडमली स्पॉन होता है, इससे बचना मुझे लिटरली इम्पॉसिबल लगता है मुझे एक्चुअली। कोई आएगा एम्बुस? आई डोंट थिंक सो, ये रैंडमली आता है। अभी अभी कोई वार्निंग नहीं दे रहा सीख आने से पहले। भाई मेरा कुछ भी चला गया। ओके, पर एटलीस्ट मैं अभी जिंदा हूँ आई थिंक। मैं जो है ओके, वेट अ सेकेंड, ये कैसा दरवाजा है? वेट अ सेकेंड, ये क्या है भाई? हम लोग बाहर आ चुके हैं उस होटल से, बाहर बारिश हो रहा है पर वाओ नाइस, ऐसा लगता है हम लोग एक अलग डायमेंशन में आ चुके हैं, माइनक्राफ्ट जैसा ट्री, उससे अच्छा एक्चुअली। ये देखो, ये एक गार्डियन एंजल का स्टैचू लगता है। एक सेकेंड, ब्लेस मी भाई, ताकि मैं डोर 100 को बीट कर सकूं। थैंक यू सो मच, अब मैं ब्लेस्ड हूँ। आई थिंक मैं अब इस जगह से निकल सकता हूँ। ये सर एक फाइनल सेफ जगह था। नाउ वी आर गोइंग टू द हेल आई थिंक। ऑलराइट, डोर 90, डार्क रूम, आई थिंक ऐसा डार्क रूम शुरू होता है। 91, इतना साउंड है भाई कि मुझे कुछ ठीक से सुनाई नहीं दे रहा। अगर रस आता है तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। आ रहा है आई थिंक रस, हाँ। ओ माय गॉड, नहीं नहीं, मैं इतना कंफ्यूज हूँ साउंड से कि मुझे कुछ लिटरली सुनाई नहीं दे रहा। लगभग मर चुका था, उसने अच्छा हुआ दरवाज़ा खोल दिया। लाइट नहीं है फ्लिकर करने के लिए रस का। ओ भाई साहब, क्या है ये? कांटे लग गए पैरों में। ओके, मैं मर चुका हूँ ऑलमोस्ट। अगर एक और बार ऐसा होता तो मैं मर जाऊँगा। प्लीज़ ऐसा ना हो तो अच्छा है, देख के चलना पड़ेगा मुझे। कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा मुझे, लाइट भी वेस्ट हो रहा है मेरा। क्या रस आएगा? आई डोंट नो। मुझे वो अननोन का डर खा रहा है भाई अंदर से। ओह माय गॉड, मैं क्या काम। एक सेकेंड, मैं जिंदा बच गया। मेरा हेल्थ देखो, लिटरली 1 HP। ओ शिट, बच गया। ये बिल्कुल मेरे सामने था, मैं इतना लकी कैसे हूँ भाई? ये गेम बहुत अच्छा जा रहा है, मैं शायद इस लेवल को बीट कर सकता हूँ। फिगर के साथ हेल्थ का कोई मैटर नहीं है, अगर हो पकता है तो हम लोग 100 हेल्थ पे भी मर जाएंगे। छुप जाए, नहीं नहीं छुपते, देख के चलना पड़ेगा। एक छोटा सा मिस्टेक मुझे ख़त्म कर देगा। ओके, एक सेकेंड, आ रहा है रस। ये देखो रुक गया, रुक के देखता भी है रस। ऑलराइट, आई थिंक ये फाइनल डोर था 100। यस, ओ भाई साहब, ऐसा लगता है नर्क से निकले। वेट, अब क्या करना है मुझे यहाँ पर? वेट सेकेंड, मुझे देखना पड़ेगा मुझे क्या करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर आके मर नहीं सकता उस फिगर से। वेट सेकेंड, मैं अभी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। ऑलराइट, तो मैं एक ट्यूटोरियल देख के आ रहा हूँ, पर मुझे जो है कन्फ्यूजन ज़्यादा है अभी। अब मुझे ये बात पता चल चुका है कि मुझे जो है एक दो, मतलब कुछ फ्यूज़ को ढूंढना पड़ेगा, एक दो नहीं। उससे पहले मुझे जो है लॉकपिक से एक दरवाजे को अनलॉक करना पड़ेगा आई थिंक। ये दरवाज़ा, हाँ, यहाँ पर हमें जो है छुपना पड़ेगा। यहाँ पर शायद वो नहीं आ सकता फिगर, क्योंकि उसका हाइट इस दरवाजे से ज़्यादा है। और यहाँ पर हमें शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्यूज़ को ढूंढना पड़ेगा। और ये फिगर शायद मतलब पेट्रोल करेगा जैसा वो करता था। ऑलराइट, मैं जो है कर सकता हूँ इस लीवर को खोलने के बाद जो है फिगर एक्टिव हो जाएगा। पीछे क्या है? एक बार चेक करके आए, आई थिंक चेक करके आना चाहिए मुझे ना। हम लोग चेक कर लेंगे बाद में, मेरे पास विटामिन्स भी है अगर इमरजेंसी होता है तो। ये आएगा फिगर, ये गेट के मर क्यों नहीं जाता भाई? ओके, चेस होगा ये बाय द वे। भाग भाई, जल्दी से भागते यहाँ से। मैं अगर यहाँ पर छुप जाता हूँ तो यहाँ पर नहीं आ सकता, राइट आई थिंक, हाँ नहीं आ सकता। हाँ, उसका हाइट ज़्यादा, यहाँ पर नहीं आ सकता। अच्छी बात है, उस बंदे ने सच कहा था जिसका भी मैंने वीडियो देखा था। अगर मैं यहाँ पर मर जाता भाई लिटरली। ओके, नहीं, ये पर खड़ा है बाय द वे। आई थिंक ये अभी कहीं पर जा रहा है, अभी वो पर जाएगा। क्या मैं ऊपर जाऊँ अभी? क्योंकि ये शायद इस जगह में जा चुका है कम्प्लीटली। मैं चलता हूँ बस इस जगह में। अगर इसको मेरे साउंड सुनाई देता है मैं कुछ कर नहीं सकता। ऊपर शायद एक दो फ्यूज़ मिल जाए, हमें 10 फ्यूज़ को ढूंढना पड़ेगा जो कि बहुत आसान नहीं होगा। ये पर से हमें निकलना पड़ेगा।
यह पर तो मुझे एक भी फ्यूज दिख नहीं रहा। आई थिंक मुझे वापस से नीचे ही जाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। होपफुली वो फिगर हमें सीढ़ियों पे नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो हम लोग विटामिन के साथ रेडी है। अच्छा, वो एक फिक्स जगह पे जो है पेट्रोलिंग कर रहा है। बाय द वे, सीढ़ी के नीचे क्या है मुझे देखना है, पर उससे पहले एक बार चेक करते हैं वो कहाँ पर है। अच्छा, ये एक फिक्स जगह पे पेट्रोलिंग कर रहा है क्योंकि वहाँ पर सारे फ्यूज है आई थिंक। अच्छा, सो एक काम करते हैं, ये जब इस डायरेक्ट, मुझे नहीं पता इस घर का पैटर्न कैसा है, कहाँ से ये आ सकता है। अगर मैं पहले इस घर को चेक कर लेता भाई तो मुझे ये कहना नहीं पड़ता। पर होपफुली लेट्स सी, पर एक चमकने वाला डोर भी है आई थिंक, सामने हमें जाना है। कहाँ से आ रहा है ये? मेरे हेडफोन का एक साइड से काम नहीं कर रहा ऊपर से। ओह माय गॉड, नहीं 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 नहीं, पर एटलीस्ट हम लोग डोर 100 तक पहुँच गए। मैं लिटरली छुप चुका था, पर इसका हाथ इतना लंबा है, मैं उसने मुझे खींच लिया। ऑलराइट गाइस, ये था रोब्लॉक्स स्टोर्स। आई होप आप लोगों ने इस गेम प्ले को एंजॉय किया। तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।